Good morning students. In yesterday's video we have learned that how to find the difference, right, from zero. Now today we are going to see the find the difference solve in your notebook. For practice you can solve all these sums in your notebook. Okay, for practice solve all these sums in your notebook. Now see, next find the difference. Now see again the sum. See, the first number here given is 6500 and 2593. So how we will solve it? Abhi ye zero hai, ye bhi zero hai. Abhi ye zero is zero se borrow nahi kar sakta kyunki already yahan pe zero hai. Abhi ye zero kya karega? 5 se borrow karega. Kisse? 5 se. Jab ye zero 5 se ek number borrow karega to yahan pe kya ho jayega? 10. और ये 5 क्या हो जाएगा? 4, राइट. अभी ये 10 क्या करेगा? इस 0 को एक नंबर देगा. जब ये 10 इस 0 को एक नंबर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये 10 में से एक नंबर यहाँ गया इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 9. अभी इस नंबर से आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन. 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 5 हो सकता है क्या? नो. अभी फिर से क्वेश्चन आ गया, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 5 तो बड़ा है और 4 छोटा है. अभी हम ये 4 को एक नंबर 6 से लेके देंगे. अभी हम 6 को क्या बोलेंगे कि एक नंबर इस 4 को दे दे. जब ये 6 एक नंबर इस 4 को देगा यहाँ पे हो जाएगा 14, और ये 6 क्या बन जाएगा? 5. अभी 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So answer is 9, and 5 minus 2, answer is 3. Now see the same way next sum. 3 minus 8 हो सकता है क्या? No. तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 के लिए ये 6 से 1 number borrow करेंगे. 3 को cut करो. जब ये 3 हमें 6 से 1 number लेगा तो ये हो जाएगा 13, और ये 6 इसे 6 ने इसे 1 नंबर दिया इसलिए 6 को कट करके हम लिखेंगे 5, क्योंकि एक नंबर उन्होंने यहाँ पे दे दिया. तो अभी देखो 13 माइनस 8 करो. 13, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द डॉट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अभी 13 में से 8 को माइनस करो. 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे? 1 2 3 4 5. तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 5. 5 में से 7 जा सकता है क्या? अगेन सेम प्रॉब्लम, नहीं. अभी हम क्या करेंगे, अभी ये 2 को बोलेंगे कि हमें यहाँ पे 1 दे दे. जब ये 2 यहाँ पे 1 दे देगा यहाँ पे हो जाएगा 15, और 2 को हम कट करेंगे, और 2 के पास कितना बचेगा फिर? 1. तो अभी 15 में से हमें 7 माइनस करने हैं. 15 में से 7 माइनस करने हैं, तो आप लोग फिर से डॉट्स ड्रॉ करो और 15 में से 7 को माइनस करो. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आंसर क्या आया? 8. नेक्स्ट, अभी 1 में से 3 को माइनस कर सकते हैं क्या? नो. अगेन सेम प्रॉब्लम. अभी हम ये 8 को बोलेंगे कि यहाँ पे 1 दे दो. जब वो यहाँ पे 1 दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और 8 के जगह पे हो जाएगा 7. अभी 11 माइनस 3 आपको करना है. 11 माइनस 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आंसर क्या आया? 8. 7 माइनस 4 5, 6, 7. सो यहाँ पे आया आंसर 3. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. अगेन सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 3 है. तो हम ये 0 को यहाँ पे लिखेंगे 10. क्यों? हमने 5 से एक नंबर यहाँ पे बोरो कर लिया. जब 5 से एक नंबर यहाँ पे बोरो करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 4. 10 में से 3 गए 7. 4 में से 0 गया 0. 4 माइनस 0, वॉट विल बी द आंसर? 4 ओनली. अभी यहाँ पे फिर से 0 है. अभी ये 0 के लिए हम 8 से 1 ले लेंगे. इसे कट करो, यहाँ पे लिखो, और 8 से जब 1 लेंगे तो आंसर आएगा 10 माइनस 3 7. और 8 से हमने 1 लिया इसलिए यहाँ पे लिखना है आपको 7. 7 माइनस 2 5. ओके, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस 3 सम्स. नाउ सी नेक्स्ट, फाइंड द आंसर. ऑलरेडी उन्होंने कुछ सम्स हमें सॉल्व
करके दिए हैं। अगर आपको करना है सॉल्व द ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस फर्स्ट। अभी आपको देखो कुछ सम्स ऐसे दिए उन्होंने, 3 + 7 - 4 + 3। अभी 3 + 7 आपको करना है, ब्रैकेट में क्या दिया है फर्स्ट 3 + 7, तो आप लोग 3 + 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। माइनस 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 = 7, तो आपको करना है फिर 10 - 7 = 3। ओके नाउ सी 12 + 3 हम जब करते हैं तो आंसर आता है 15, और ये माइनस का साइन जैसे के वैसे यहाँ लेना है, 10 + 2 = 12। फिर अभी आपको आगे करना है 15 - 12, आंसर विल बी 3। अभी नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस 90 - 50 - 1 = 39। तो उन्होंने देखो आगे करके दिखाया उन्होंने कैसे किया, पहले उन्होंने 90 - 50 को सॉल्व किया है, उसका आंसर क्या आया 40, और उसके बाद वो 40 में से माइनस 1 किया, आंसर आया 39। अभी हम ये करेंगे 80 - 30, तो आंसर क्या आएगा देखो यहाँ पे आप कर सकते हो 80 - 30 = 0, 8 - 3 = 5, तो आया 50। अभी 50 में से आपको 2 माइनस करने हैं, 50 में से हम 2 को जब माइनस करते तो आंसर आता है 48। 60 - 20 आंसर आएगा 60 - 20 = 0, 6 - 2 = 4, 40। अभी 40 में से आपको माइनस 5 करना है, 40 में से 5 माइनस करेंगे आंसर आएगा 35। अभी 90 - 30, तो 90 - 30 करो 0, 9 - 3 = 6, तो 60। अभी 60 में से माइनस 20 करो, 60 - 20 = 0, 6 - 2 = 4, आंसर आया 40। ओके सी नेक्स्ट 50 - 10, 50 में से 10 माइनस करो आंसर आएगा 40। अभी 40 में से ये 4 को माइनस करो, जब आप 40 में से 4 को माइनस करोगे आंसर आपको मिलेगा 36। 100 - 50, 100 में से हम 50 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 50, और 50 में से जब आप 10 को माइनस करोगे आंसर आएगा 40। अभी 70 - 50, 0 - 0 = 0, 7 - 5 = 2, हाँ आंसर आया 20। अभी 20 में से माइनस 5 करो आंसर आपको मिलेगा 15। ओके इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश विद द फर्स्ट यूनिट टेस्ट पोर्शन। हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन ख़त्म हुआ है। ओके आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन है पेज नंबर 39 तक, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 39। ये जो है 3.4 सब्ट्रैक्शन स्टोरी प्रॉब्लम्स और सब्ट्रैक्शन फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी। आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन कहाँ तक है, पेज नंबर 39। ओके पेज नंबर 39 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके थैंक यू।